जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और जीएन भारत में आज खास मेहमान मौजूद है जिनका नाम है आरती खजूर, और ये जो है बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष भी है। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और खास कर ये जानेंगे कि झारखंड महिला आयोग का सीट पिछले 2.5-3 सालों से खाली पड़ा है। आपको बताते चले, झारखंड महिला आयोग एक ऐसा आयोग है जहाँ पे गरीब तबके के जो लोग होते हैं, खासकर महिलाएं होती है, चूंकि महिला आयोग है, वहां पर आती है और उनका निपटारा हो जाता है केस का। लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल से सीट खाली है, आरती जी हम आपसे ये जानेंगे कि 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, अध्यक्ष का पोस्ट अभी तक खाली पड़ा है, क्या हो क्या रहा है? आई मीन जब से सरकार बनी है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की जब से सरकार बनी है, उसके बाद से चाहे कोई भी आयोग हो, चाहे महिला आयोग की बात करें, बाल संरक्षण आयोग की बात करें, ये आयोग पूरी तरह मतलब खाली है, वैकेंट है, और एक भी कोई मेंबर न चेयरमैन कोई नहीं है। और जबकि ये आयोग ऐसा मतलब काम करती है जिसमें कि बहुत सारे आपको कोर्ट में है या कहीं और भी मामला है, बहुत जगह ऐसे मामला है, उस मामला में अगर आपको विलंब हो रहा है या कोई त्वरित आपको न्याय चाहिए, तो ऐसे जगह में आयोग का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जहाँ पर पुलिस के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा या बाकी और जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आप देख रहे हैं झारखंड में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार है, छेड़खानी है, हत्या है, तमाम तरह की घटनाएँ अपनी पराकाष्ठा पर है। उस जगह में आयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस आयोग का गठन करने में सरकार इनका 3 साल मतलब पहुंच जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं कर रहा। इसके मतलब है कि महिलाओं का, चूंकि विधि व्यवस्था का स्थिति आप देख रहे हैं, उसमें महिलाओं की स्थिति आप देख रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार की स्थिति देख रहे हैं, और उस जगह में अगर तनिक भी इच्छा शक्ति होती महिलाओं के पर हो रहे शोषण जुल्म के प्रति, थोड़ी भी इनको मतलब सीरन होती, तो वास्तव में ये तो आयोग का गठन होने के साथ साथ आयोग का गठन हो जाना चाहिए था। और ये हम कहेंगे कि महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जितना शोषण जुल्म हो रहा है, उसके प्रति सरकार की उदासीनता दिखलाती है। सरकार ने कहा कि बहुआ मांझी को हमने ये सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में उतारा है, तो ये दिखाता है कि अब महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है, क्या कहेंगे इस पर? आपने महुआ मांझी को कर दिया, वो आप राज्यसभा सांसद के लिए कर दिया, यहाँ पर सवाल है महिला आयोग का। सवाल ऐसा है कि महिला आयोग जो कि झारखंड में सिर्फ एक का नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश के आयोग का है, और आज भी महिलाएं कभी भी किसी को दिक्कत होती, आज भी लोगों को फ़ोन करते हैं, हम लोगों को भी फ़ोन करते हैं, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग में पहले से रहे हैं, इसके पहले महिला आयोग में लोग रहे हैं, लोग आज हम लोगों को ही फ़ोन करते हैं कि हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, कोई नहीं है। आपने कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने कर दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर है बच्चों के आयोग, महिलाओं के आयोग है, उसका गठन करने का सवाल है, जिसमें कि हजारों सैकड़ों महिलाओं के साथ रोज जो शोषण जुल्म और बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ तो इनको होता। आप खुट्टी की मामला देख लीजिए, जहाँ पर कि एसडीएम के ऊपर, एसडीएम नहीं, मेल मिल गया उनको, एसडीएम नहीं, जो कहते कि हमारे आईआईटी के छात्र हैं जो हमारे मेहमान हैं, और हम कहते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, और उस छात्रा के साथ आपने जो बदतमीजी की है, जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है, आज महिला आयोग यहाँ पर होता, त्वरित कार्रवाई होता, त्वरित एक्शन होता, वो देख लीजिए आप, देख मतलब प्रतिदिन देख लीजिए, या फिर आप आज अखबारों में भी देख लीजिए, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर, जो कि एनडीए की हमारी उम्मीदवार हैं और आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला होने के नाते पहली बार एनडीए ने एक जगह दिया है, उस जगह में जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा किया जाता है, ये उस जगह में एक काम करती। उसके साथ ही साथ आप देखिए रूपाधर की जो कि बहुत चर्चित जो घटना रही है, जो कि खुद महिला पुलिस मतलब महिला थाना की प्रभारी रही है, उसकी हत्या हो जाती है, तब भी सरकार या सरकार के साथ जो रहे हैं, आप महुआ मांझी का ही बात कर लीजिए या कांग्रेस की ही महिला की बात कर दें, आप महिलाओं पर तमाम जो शोषण जुल्म हो रहे हैं, कहीं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम सवाल कर रहे हैं महिलाओं के आयोग का, सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं पर हो रहे शोषण जुल्म का, आप बोलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये हम कहेंगे कि पूरी तरह ये सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण जुल्म जानबूझ के मतलब आंख बंद किए हुए है, और जानबूझ के हम तो कहेंगे कि जिस हिसाब से इनकी जो गतिविधि चल रही है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके मतलब इनका भी कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं को शोषण उत्पीड़ित करने में कहीं सहमति तो नहीं, मौन सहमति तो नहीं है, ऐसा मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बात बताइए, उल्टा कांग्रेस ने FIR करवा दिया स्मृति ईरानी के खिलाफ, कहा ये वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इसलिए FIR कोतवाली थाना में कराया गया। नहीं, आप वो तो जाँच का विषय है, और बाकी अगर मान ली यही आपका गलत होता तो आप ही के लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि ये किसी भी महिला के ऊपर, जो जनजाति महिला के ऊपर ये जो पार्टी के द्वारा जो किया ये बहुत गलत है, आप ही के द्वारा क्यों कहा जा रहा है? आप ही के लोग कह रहे हैं, और हाँ तोड़ मरोड़ के हैं तो आप सब देख रहे हैं,
तोड़ मड़ोर के है, क्या है देख रहे हैं। एक जनजातीय महिला जबकि इतने सालों से इनकी सरकार रही, 60 सालों से ज़्यादा इनकी सरकार रही, जनजातीय महिलाओं को आज सर्वोच्च पद पर अगर एनडीए ने अगर वो जगह दे रही तो आपको क्यों सिर दर्द हो रहा है? आप कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लड़ सकती हूँ तो आज एनडीए की जो महिला की जनजाति महिला उम्मीदवार है तो आप उस पर क्यों लांछन लगा रहे हैं? आप ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं जो कि पूरा जनजाति समाज आज आक्रोशित है, आज महिलाएं आक्रोशित है। धन्यवाद आरती खजूर मैम। आरती खजूर जी को आपने सुना और साफ तौर पर कहा कि इन्होंने कि महिला को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अगर सेंसिटिव होती तो अब तक झारखंड महिला आयोग की जो सीट है, जो पिछले चेयरमैन का पद है और जितने भी और भी पद है वो पिछले 2.5-3 साल से खाली पड़ा हुआ है। बाल संरक्षण आयोग का पद खाली पड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी गरीब तबके की महिलाएं होती है अपने घर के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर वहाँ जाती है और वहाँ पे जनरली सॉल्यूशन हो जाता है, एक तरह से उसे मिनी कोर्ट कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस जो होता है, सामाजिक न्याय वो दिलाता है, लेकिन अगर सामाजिक जस्टिस नहीं मिलेगा, सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में वाकई में आ जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं जीएन भारत। मैं शिखा श्रेया अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।